मूलाधार चक्र क्या है? ऐसा सिर्फ आज या कल से नहीं, बल्कि सदियों से बताया जा रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में योग का अभ्यास बेहद ही आवश्यक रहा है, क्योंकि चक्र वे ऊर्जा केंद्र है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष ब्रह्मांड की ऊर्जा मानव शरीर में प्रवाहित होती है। बता दें कि इन केंद्रों को योग के ही माध्यम से जागृत किया जा सकता है, जो सभी में और हर एक व्यक्ति में विद्यमान है। वैसे तो हम सभी के शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं और सभी हमारे अस्तित्व के खास पक्ष से संबंधित हैं। आज हम आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है। मूल और आधार शब्दों से मिलकर बना मूलाधार चक्र अनुत्रिक के आधार में स्थित है। इसका रूप मंत्र लम है। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ये चारों मन के 4 कार्यों मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी इस चक्र में उत्पन्न होते हैं। मूलाधार का मतलब है मूल आधार, यानी है हमारे भौतिक ढांचे का आधार है। अगर यह आधार स्थिर नहीं हुआ तो इंसान ना तो अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाएगा, न ही अपनी कुशलता और संतुलन ठीक रख पाएगा। इंसान के विकास के लिए ये खूबियाँ बेहद ही आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि पिछले जीवन की यादें तथा कार्यों को इस क्षेत्र में संग्रहित किया जाता है। इस चक्र की वजह से मनुष्य को चेतना, जीवन शक्ति और समृद्धि जैसी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। मूलाधार 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस आधार। यहाँ पर मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी माँ के गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ें वहीं से होती हैं और उसका आधार भी वही है। आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य रूप में आकार लेने से पहले वो मात्र एक मांस का गोला होता है, धीरे धीरे वह मनुष्य शरीर धारण करता है। जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी। मूलाधार चक्र यदि दुर्बल हो तो कुंडलिनी अपने स्थान से नहीं उठती, और यदि यह चक्र अपवित्रता ग्रसित हो तो कुंडलिनी उठने के बाद भी खिंचकर वापस अपने स्थान पर आ जाती है। कुंडलिनी का उत्थान मूलाधार के 7वें चक्र तक होता है, जहां यह सामूहिक चेतना को व्यक्त करने वाली आत्मा से एकाकार कर लेती है। शरीर के अंदर मूलाधार चक्र को शारीरिक क्रियाओं, अवरोधन और मल त्याग को संभालना है। अमृदित यौन संबंध, अवांछित नैतिकता, निष्कासन, अंगों का दबाव जैसी कब्ज तथा पेचिश इस चक्र के तनाव के कारण बनते हैं। प्रजनन को भी कई प्रकार से यह चक्र नियंत्रित करता है। नशीले पदार्थ तथा तांत्रिक क्रियाएं इस चक्र को अत्यंत हानि पहुंचाते हैं। जागृत मूलाधार चक्र साहस, निष्कपटता तथा निर्देशन बुद्धि प्रदान करता है। इस प्रकार का व्यक्ति अत्यंत शुभ कर तथा आस पड़ोस के लिए भी सौभाग्य और ईश्वरीय आनंद को लाने वाला होता है। इस चक्र के देवता श्री गणेश हैं। यदि आपने अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया तो सच मानिए आपने श्री गणेश को प्राप्त कर लिया, यानी आपकी आध्यात्मिकता उन्नति की शुरुआत हो जाएगी। मूलाधार चक्र की प्रवृत्ति में बीमारियां, जो व्यक्ति अधिक कामुक, छल, कपट, प्रपंच और अहंकार को पालने वाला होता है, उसके मूलाधार चक्र में प्रकृतियां आने लगती हैं। इससे रीढ़ की हड्डी की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, रक्त विकार, शरीर विकास की समस्या, कैंसर, कब्ज, गैस, सिर दर्द, जोड़ों की समस्या, गुदा संबंधी बीमारियां, यौन रोग, संतान प्राप्ति में समस्या, मानसिक कमजोरी आ सकती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि हम शुद्ध आचरण करें, शुद्ध विचार रखें, काम वासना की शुद्धता का पालन करें, अहंकार त्यागें और अपने आप में मासूमियत विकसित करें। यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो निश्चित ही आपने श्री गणेश जी को प्राप्त कर लिया। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा के दिन माता शैलपुत्री का पूजन जप किया जाता है, और अगर मनुष्य मूलाधार में ध्यान कर इनके मंत्र को जपता है तो उसको धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और इस दिन अगर हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास करें तो हमें काफी जल्दी सफलता प्राप्त होगी। सात चक्रों के क्रम में मूलाधार पहला चक्र है। यह चक्र जननेंद्रियों और गुदा के मध्य स्थित होता है। इस चक्र का रंग लाल होता है और इसकी आकृति चार पंखुड़ियों वाले कमल के समान होती है। ये चार पंखुड़ियां काम वासना आलसा आलस और मानस की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। मूलाधार जागृत होने पर काम वासना मानसिक स्थिरता भावनात्मक रूप से इंद्रियों को नियंत्रित करने लगती है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा उसकी सामाजिक असुरक्षा दूर होती है। अगर बात करें प्रोफेशनल जिंदगी की तो मूलाधार चक्र के जागृत होने के बाद मनुष्य के अंदर टीम वर्क और टीम भावना के साथ काम करते हुए सबको साथ लेकर चलने की और मिलजुल कर के काम करने की प्रवृत्ति जाग जाएगी और मन सब तरह से काम में लगेगा। व्यक्ति के शरीर का मध्य भाग व इसके अंग गुप्तांग गुर्दे लीवर आदि का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। ऊर्जा की प्रबलता बनी रहती है तथा मूलाधार से आगे के चक्रों में बनने में सुविधा हो जाती है। इस चक्र को जागृत होने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब तक यह चक्र निष्क्रिय होता है या ठीक से काम नहीं करता है तब मनुष्य जानवर के समान हो जाता है। वो सिर्फ काम प्रधान में होता है और उसको सिर्फ शारीरिक सुख चाहिए होते हैं और वो पूर्ण रूप से स्वार्थी बन जाता है। उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। वो जीवन भर सिर्फ सपने देखता है, विचारों और काल्पनिक दुनिया में जीता रहता है। आध्यात्मिक कार्यों से उसका कोई सरोकार नहीं करता रहता। वो सिर्फ वासना और कभी समाप्त न होने वाली इच्छाओं के पीछे पूरे जीवन भर भागता रहता है। जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। मूलाधार चक्र शरीर ऊर्जा की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है वह दरअसल भ्रम में है। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। जब हम योग करते हैं तो हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। अगर आपका मूलाधार मजबूत हो तो जीवन हो या मृत्यु आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है और बाकी चीजों को हम बाद में ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर नींव डगमगा रही है तो चिंता स्वाभाविक। जानकारी के लिए बताते चलें कि इस चक्र की दो संभावनाएं हैं। पहली प्राकृतिक संभावना है सेक्स की और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य की, जो ध्यान से प्राप्त है। सेक्स प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम दो तरह से प्राकृतिक द्वारा दी गई स्थिति का प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसी स्थिति में रह सकते हैं जैसे प्रकृति ने हमें अंदर रखा है, लेकिन फिर आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती, या हम इस अवस्था को बदल सकते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व का अर्थ है गंध। इस चक्र में ध्यान साधक को इच्छा शक्ति की प्राप्ति कराता है। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है और यह बुनियादी मानव प्रवृत्ति की अस्तित्व से संबंधित है। मूलाधार चक्र की सकारात्मक उपलब्धियां स्फूर्ति उत्साह और विकास है। जो साधक साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर लेता है अथवा जिस साधक की श्वास प्रस्वाव रूप से साधना में जागृत हो जाती है और जागृत अवस्था में उद्धव गति में जब तक मूलाधार में रहती है तब तक वह साधक गणेश जी की शक्ति से युक्त व्यक्ति हो जाता है। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में चार पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ये चारों मन के चार कार्यों मानस बुद्धि चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी इस चक्र में उत्पन्न होते हैं। मूलाधार का मतलब है मूल आधार, यानी है हमारे भौतिक ढांचे का आधार है। अगर यह आधार स्थिर नहीं हुआ तो
तो इंसान ना तो अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाएगा, न ही अपनी कुशलता और संतुलन ठीक रख पाएगा। इंसान के विकास के लिए ये खूबियाँ बेहद ही आवश्यक हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले जीवन की यादें तथा कार्यों को इस क्षेत्र में संग्रहित किया जाता है। इस चक्र की वजह से मनुष्य को चेतना, जीवन शक्ति और समृद्धि जैसी विशेषताएं प्राप्त होती हैं।